नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में अपने पिता की विरासत को आगे ले जाते हुए अरुण वोरा बहुत ही ज्यादा चुनावी माहौल में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की दुर्ग विधानसभा सीट पर राज्य के सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट पर कांग्रेस नेता अरुण वोरा का कब्जा है। अरुण वोरा दिग्गज कांग्रेसी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के बेटे हैं। अरुण वोरा के सामने ये चुनौती है कि वे फिर से 2013 की कामयाबी को दोहरा सके। अरुण वोरा का जन्म 22 नवंबर 1960 को राजनंद गांव में हुआ था। वोरा ने एमए तक शिक्षा प्राप्त की है। अरुण वोरा के पिता मोतीलाल वोरा 13 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वोरा एक बार फिर से 25 फरवरी 1988 में और तब से लेकर 9 दिसंबर 1990 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अरुण वोरा के लिए दुर्ग शहरी विधानसभा सीट से पुराना नाता रहा है। 2003 में वह यहां से विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2008 में भी उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी थी। दोनों ही बार उन्हें बीजेपी के हेमचंद्र यादव ने मात दे दी थी। लेकिन 2013 का चुनाव उनके लिए कामयाबी लेकर आया था, जब उन्हें बीजेपी के हेमचंद्र यादव को हराकर इस सीट पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में अरुण वोरा ने अपनी जगह बनाई है। एक और जहां कांग्रेस में कई लोगों का सीएम पद का जो उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, उनमें एक नाम अरुण वोरा का भी है। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के जीतने पर अगर सीएम पद को लेकर ज्यादा जो लड़ाई हुई या फिर कुछ भी ऐसी नौबत आई, तो सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो अरुण वोरा को होगा। चुनाव प्रचार के दौरान इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानों के तीखे तीर चलते नजर आ रहे हैं। अरुण वोरा के पक्ष में कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू भी उनका प्रचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको जीत दिलाने में मदद कर रहे हैं। तो देखा जाएगा, जो एमपी में इतना ज्यादा चुनावी माहौल गर्म हो चुका है और वहां से अभी तक आप जानते हैं कि 15 वर्षों से शिवराज सिंह चौहान का कब्जा रहा है और कहीं ना कहीं वहां की जनता हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर कोई भी जाति हो, उनको देखना या फिर उनका जो शासन है उस चीज को पसंद करती है और उनका हर चीज में साथ भी देती है। लेकिन अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है उसको देखकर ऐसा कुछ भी कहना सही नहीं होगा कि वहां पर किसकी जीत होनी है या फिर किसकी हार होगी, क्योंकि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या फिर कोई और पार्टी हो, हर कोई आगे आकर अपना 100% दे रहा है और कुछ भी कहना संभव नहीं है कि वहां पर किसकी जीत होगी। हो सकता है कि इस बार कांग्रेस वहां पर बाजी मार ले, अरुण वोरा या फिर कोई और वहां पर सामने आए सीएम के पद के लिए, लेकिन हो सकता है कि वहां पर शिवराज सिंह चौहान का जो शासन है उसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं अभी तक श्योर है कि दोबारा से वहां की जनता शिवराज सिंह चौहान को ही मौका देगी। तो हम जल्दी लौटेंगे इलेक्शन की लेटेस्ट अपडेट के साथ और बहुत सारे ट्विस्ट के साथ। थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इसके अलावा आप हमारे सारे जो शोज हैं, प्रोग्राम्स हैं, यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं।